हाय फ्रेंड्स, इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ आप आधार कार्ड को पैन कार्ड से कैसे लिंक कर सकते हैं या फ्रेंड्स पैन कार्ड को आधार कार्ड से कैसे लिंक कर सकते हैं। दोनों एक ही बात है फ्रेंड्स। यहाँ पर इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि कैसे आप आधार कार्ड को पैन कार्ड से लिंक करेंगे। सिर्फ फ्रेंड्स 2 या 3 मिनट के अंदर आप इजीली अपने आधार कार्ड को पैन कार्ड से लिंक कर सकते हो। तो फ्रेंड्स वीडियो को एंड तक देखना, अगर वीडियो पसंद आ जाए तो लाइक ज़रूर कर देना। तो फ्रेंड्स सबसे पहले आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दिया हुआ है, उस लिंक पर आपको क्लिक करके इस साइट पर आ जाना है। तो फ्रेंड्स मैं यहाँ पर आपको बता देता हूँ। ठीक है फ्रेंड्स, अगर आप मोबाइल यूज़ कर रहे हो तो मोबाइल में आपको क्रोम ब्राउज़र यूज़ करना है, क्योंकि क्रोम ब्राउज़र में सेफ रहता है और काफ़ी अच्छा भी रहता है। तो फ्रेंड्स गूगल में आकर के आपको सर्च करना होगा। ठीक फ्रेंड्स, आपको जो लिंक दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन में, उस लिंक पर आपको क्लिक करना है तो आप इस पेज पर पहुंच जाओगे। अब फ्रेंड्स यहाँ पर आपको ध्यान रखना है, काफ़ी सारी साइट दी होगी, पर जो फ्रेंड्स आपके सामने जो सबसे फर्स्ट पर जो साइट खुलेगी उस पर आपको क्लिक करना होगा। अब फ्रेंड्स इस पर आप जैसे क्लिक करोगे तो आपके सामने काफ़ी सारे यहाँ पर ऑप्शन खुल जाएंगे और बिल्कुल नया पेज यहाँ पर आपके सामने ओपन हो जाएगा। अब फ्रेंड्स इस पेज पर काफ़ी सारी सर्विस है जो आप यहाँ पर इजीली अपने मोबाइल से कर पाओगे। तो फ्रेंड्स अगर आप मोबाइल यूज़ कर रहे हो, सिंपल आपको डेस्कटॉप साइट कर देना है। 3 लाइन पर क्लिक करके करने के बाद आपको डेस्कटॉप साइट क्लिक कर देना है। इससे क्या होगा फ्रेंड्स, आपके स्क्रीन पर जो भी ऑप्शन है सब क्लियरली दिखने लग जाएंगे। अब फ्रेंड्स यहाँ पर आप साफ साफ देख सकते हो कि यहाँ पर काफ़ी सारे ऑप्शन दिए हुए हैं। वेरीफाई योर इनकम, यानी फ्रेंड्स आप टैक्स भरते हो तो आप ये भी कर सकते हो, लिंक आधार विद पैन कार्ड। ठीक फ्रेंड्स, और यहाँ पर आप वापस आप चेक भी कर सकते हो कि आपका आधार कार्ड पैन कार्ड से लिंक हुआ है या नहीं हुआ है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर पहले मैं आपको लिंक कैसे करना है वो बताता हूँ, उसके बाद में मैं आपको बताऊंगा कि आप कैसे यहाँ पर चेक भी कर सकते हो। तो फ्रेंड्स यहाँ पर आपको सबसे पहले लिंक आधार पर क्लिक करना होगा, सेकंड नंबर पर। जैसे आप इस पर क्लिक करोगे फ्रेंड्स, थोड़ी देर में पेज लोड होगा, थोड़ा टाइम लगेगा, पर फ्रेंड्स पेज जैसे ही लोड होता है तो आपके सामने कुछ काफ़ी सारे यहाँ पर कॉलम ओपन हो जाएंगे जिनमें आपको कुछ डिटेल फिल करनी होगी। तो फ्रेंड्स यहाँ पर पेज ओपन हो रहा है, थोड़ा वेट करते हैं। अब फ्रेंड्स यहाँ पर आप देख सकते हो कि हमारे सामने ये पूरा पेज ओपन हो चुका है। अब यहाँ पर आपको ध्यान रखना है, मैं आपको थोड़ा जूम करके दिखा रहा हूँ, लिंक आधार, ठीक है, यहाँ पर क्लियर लिखा हुआ है। अब यहाँ पर आपको डालने हैं सबसे पहले पैन कार्ड के नंबर, पहले यहाँ पर आपको पैन कार्ड नंबर डालने हैं, उसके बाद में आपके आधार कार्ड के जो नंबर है वो आधार कार्ड के नंबर आपको सेकंड कॉलम में फिलअप करने होंगे। इसके बाद में फ्रेंड्स नेम एज पर आधार, आपका आधार कार्ड में जो भी नेम है वो क्लियरली आपको यहाँ पर पूरा डालना होगा, जो आधार कार्ड में है वही नाम आपको कंप्लीट डालना है। इसके बाद में आपको डालने हैं मोबाइल नंबर, जो भी आपके मोबाइल नंबर हो आपके पास वो मोबाइल नंबर आपको डालने हैं। इसके बाद की प्रोसेस फ्रेंड्स काफ़ी ज़्यादा डिफिकल्ट है, आपको ध्यान रखना है। ये दोनों ऑप्शन दिए हुए हैं, इनमें से आपको कौन सा सिलेक्ट करना है वो मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पर फ्रेंड्स दिया हुआ है आई हैव ओनली ईयर ऑफ बर्थ इन आधार कार्ड, यानी कि फ्रेंड्स अगर आपके आधार कार्ड में आपके जन्म दिनांक जैसे हो, जैसे कि फ्रेंड्स मेरी है 5/11/1996, तो फ्रेंड्स अगर आपके आधार कार्ड में दी हुई है सिर्फ 1996, ठीक है फ्रेंड्स, तो आपको सिंपल इस पर क्लिक करना होगा, इस पर टिक करना होगा। अगर आपके आधार कार्ड में पूरी डिटेल कंप्लीट है, पूरा आपका जैसे कि आपकी जन्मदिनांक है, जैसे कि मेरी है 5/11/1996, वो पूरी अगर दी हुई है तो आपको सेकंड वाले पर टिक करना होगा। और अगर आपके सिर्फ एक ही है तो सिंपल फ्रेंड्स आपको यहाँ पर टिक करना होगा, सिर्फ आपका जन्म का साल है तो आपको आधार कार्ड में, तो सिंपल आपको फर्स्ट वाले कॉलम पर टिक करना होगा। अब फ्रेंड्स यहाँ पर मेरा कंप्लीट है तो मैं यहाँ पर इस पर टिक करूँगा। और फ्रेंड्स मेरा पहले से लिंक है, सिंपल मैं आपको एक बार समझा रहा हूँ। अब फ्रेंड्स ये करने के बाद आपको कुछ नहीं करना, सिंपल फ्रेंड्स लिंक आधार पर यहाँ पर जो ऑप्शन दिया हुआ है, थोड़ा मैं जूम कर रहा हूँ फ्रेंड्स, यहाँ पर आपको क्लिक करना होगा। तो फ्रेंड्स मैं डिटेल फिल करके आपको एक बार बता देता हूँ। तो फ्रेंड्स यहाँ पर आप क्लियर देखते हो, जैसे मैंने यहाँ पर पूरी डिटेल फिल की, यहाँ पर लिंक आधार पूरा यहाँ पर हमें क्लियरली शो होने लगा है। अब इस पर आपको क्लिक करना होगा। अब फ्रेंड्स आप जैसे ही यहाँ पर क्लिक करोगे तो आपके मोबाइल नंबर पे एक ओटीपी सेंड किया जाएगा, जो कि फ्रेंड्स आप देख सकते हो मेरे मोबाइल पर ओटीपी आ चुका है। इस ओटीपी को आपको यहाँ पर एंटर करना होगा। फ्रेंड्स आप देखते हो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की तरफ से ओटीपी भेजा गया है, इस ओटीपी को आपको यहाँ पर एंटर करके वैलिडेट पर क्लिक करना होगा। तो फ्रेंड्स यहाँ पर मैं ओटीपी डाल करके यहाँ पर वैलिडेट पर क्लिक कर देता हूँ। अब फ्रेंड्स मैंने जैसे यहाँ पर ओटीपी एंटर किया, यहाँ पर वैलिडेट का ऑप्शन यहाँ पर ओपन हो चुका है, सिंपल आपको वैलिडेट पर क्लिक करना होगा। तो फ्रेंड्स जैसे ही मैं यहाँ पर क्लिक करता हूँ, आप देखते हो योर पैन इज ऑलरेडी लिंक टू गिवन आधार। तो फ्रेंड्स आप देखते हो यहाँ पर क्लियरली लिखा हुआ आ गया है कि मेरा पैन कार्ड नंबर पहले से आधार कार्ड से लिंक है। तो फ्रेंड्स अगर आपका लिंक नहीं होगा तो आपका यहाँ पर कॉन्ग्रेचुलेशन, योर आधार पैन कार्ड लिंक सक्सेसफुली, ऐसा लिखा हुआ आ जाएगा। अब फ्रेंड्स अगर आपका लिंक हो चुका है तो आपको कैसे चेक करना है कि आपका लिंक हुआ है या नहीं, वो मैं आपको बता देता हूँ। तो फ्रेंड्स यहाँ पर आपको थोड़ा पीछे आना है, पीछे आने के बाद फ्रेंड्स आपके सामने यहाँ पर एक ऑप्शन दिख रहा है 4th नंबर पर, आप देखते हो यहाँ पर क्लियरली 1st, 2nd और सॉरी फ्रेंड्स यहाँ 3rd नंबर पर ये ऑप्शन दिया हुआ है कि लिंक नाउ अबाउट योर आधार पैन कार्ड लिंक। ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ पर आपको क्लिक करना होगा। तो जैसे आप यहाँ पर क्लिक करोगे तो आपके सामने कुछ पेज खुलेगा फ्रेंड्स, उसमें आपको डिटेल फिलअप करके आप जान सकते हो कि अब आपका आधार कार्ड और पैन कार्ड लिंक हुआ है या नहीं। तो फ्रेंड्स मैं आपको बता देता हूँ क्या करना है आपको।
सिंपल ये पेज फ्रेंड्स हमारे सामने ओपन हुआ है। अब फ्रेंड्स यहाँ पर आप लिंक आधार स्टेटस आप देख सकते हो, यहाँ पर आपका स्टेटस देख सकते हो कि हम आपका आधार कार्ड लिंक कार्ड पैन कार्ड हुआ है नहीं। ठीक फ्रेंड्स यहाँ पर आपको डालना होगा पैन कार्ड का नंबर, इसके बाद डालना होगा आपको अपना आधार कार्ड का नंबर। तो बस दोनों डालने के बाद आपको यहाँ पर क्लिक करना होगा व्यू लिंक आधार स्टेटस। तो मैं यहाँ पर दोनों डाल करके आपको दिखाया हूँ। तो फ्रेंड्स जैसे मैंने दोनों डाले यहाँ पर व्यू लिंक आधार स्टेटस पर आपको क्लिक करना होगा। तो बस जैसे मैंने यहाँ पर लिंक क्लियर किया, क्लिक यहाँ पर आ गया योर पैन नंबर इज लिंक टू आधार नंबर सक्सेसफुली। ठीक है फ्रेंड्स यहाँ पर आपका आधार कार्ड लिंक होगा तो आपके सामने ऐसा पेज ओपन होगा कि आपका कंप्लीटली यहाँ पर लिंक हो चुका है। तो फ्रेंड्स आपको ओके पर क्लिक कर देना है। तो फ्रेंड्स इस तरह से आप इजीली अपने आधार कार्ड को पैन कार्ड से लिंक कर सकते हो। तो फ्रेंड्स उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करके चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए। और फ्रेंड्स आपको कोई परेशानी हो तो आप मुझे कमेंट में पूछ सकते हो, मैं सभी के कमेंट का आंसर कर दूंगा। थैंक यू।